इमरान खान बादशाह बनया था ना वजीर तो मैं सारिया सुना मैं को बाल नहीं सो तो इमरान खान शुरू तो वजीर ही रहा मेरे पुत्र ने भुखा माल लिया अंदर वाड़ छड़ना माल ने की आखना इन्हें ये नहीं सोचा भी साडे माल का तबाह हो गया मेरी महीना हो गया लड़ाई इन्होंने यो ही पुछ लो क्योंकि नहीं महीना हो गया पूरा लड़ाई सही महीना मैं माल चार मेरा पुत्र दस कमी आई है तो मैं झूठा होने उत्थे उत्थे चार जिते लोग पेशाब कर नहीं जाते अद भादरों के बकरियां लवानिया ने अद माघ के बकरियां सून सियाल खत्म हो जाता सू पैंदियां बकरियां कत्ते च भी बकरियां सूंदियां ने वह लगदियां ने वसाख च कणकां दियां वाढ़ियां पैनियां ने दो सीजन ने जिहड़ा मर्जी को खरीद ले बकरियां दे विच बकरा नहीं रहन देना ठीक है जो मुहलत आनी है उदो बकरा वालना बच्चे सारिया चंगी ने कोई भी नहीं माड़ी इन्हें ये साढ़े एवं ख्याल ने एक गल है मैं तुम्हें समझा छोटी वीडी टैडी नसल जी वह गलत होंगी है जो तुम सामने तो व्डिया बकरियां बीतल लैनिया ने जितों मर्जी लै सकते नहीं सही ने सारिया जमान पर टैडी व्डिया च फर्क है नौकर काम कर दे पुछवा कि बी खिला रहा पैली पुछो ठीक है दो लेलियां हुई ने चार हुई ने एक हुई लेलियां प्रवेश करनी ठीक जो बच्चियां नाल तैयार हो गई ने समझना ना प्या तो पुरानी बकरियां वेच छड़नी अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम सर कैसे हैं अल्लाह का एहसान है जी सर अपना नाम और अपना इलाका बताइएगा मेरा नाम अल्ताफ हसैन है जी इलाका जिला नारवल अच्छा अल्ताफ भाई बकरियों का बकरियों का काम कंधे पे कर दे हो ये तकरीबन दो साल हो गए जी दो साल हाँ जी इस तू पहले की कर दे रहे हो फारग जनरल स्टोर बनाया था अच्छा तो बकरियों का काम किस तरह शौक पै गया बस इस तरह देखते देखते पै गया ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 85 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 80 ਤੋਂ 85 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਿਨੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 250 ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਤਲਬ 250 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ 10 ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 250 ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 50-60 ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਦੀ ਜਾਇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ बाकी कुछ जानवर जाए भी होंगे कुछ सेल भी करते रहे लेकिन 150 तक आसानी रखे अच्छा मुश्किल तजर्बा नहीं दसो ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਬੀਤਲ ਵੀ ਹੈ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਰਾਜਨਪੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੇਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ
अच्छा हुण तुहाडा नागरी ते ज़ेन आ गया, तुसीं दो तीन नस्लां रखियां। हाँ जी, नागरी ते तुहाडा ज़ेन किस तरह, इहदे च ज़्यादा प्रॉफिट है या इह ज़्यादा साडे माहौल? नहीं, असल च साडा माहौल जिहड़ा ना इधर दा ज़्यादा नागरी चलदा पिआ। नागरी चलदा पिआ? हाँ जी। नागरी बकरी दी पहचान दस सकदे हो? हाँ जी, माशाल्लाह पहचान है तो सही है, लेकिन अजे जिन्ना के लोगों है ना उन्नी सानू नहीं है। ठीक है, यानी कि मोटी मोटी देख के पहचान लेंगे। हाँ जी हाँ जी, मोटी मोटी देख के पहचान। चंगे तुसीं आंदे पे इहनां दी पट्ठे छट्ठे पाने चाहिए, किहड़े पट्ठे इहनां नूं सही समझदे हो? पट्ठे तो सारे अहीं तो हुण सियाल दे विच इहनां नूं लुस नहीं पाया जे ज़्यादा, असल खुराक जिहड़ा अहीं तजर्बा कीता ना लुस नहीं इहनां दी। ते गर्मियां सर्दियां पाउंदे रहो? नहीं, उस तरह गर्मियां तो फिर ज़्यादा हीट हो जाती है ना। अच्छा, हाँ जी, सियाल दे लुस है। हाँ जी ठीक है। अच्छा सर, खुरलियां तुसीं बनाई दियां बड़ियां छोटियां छोटियां, चौड़ाई भी घट है, इनकी हाइट भी घट है। हाँ जी, इहदा कोई खास मकसद? मकसद कोई नहीं, बस अहीं अपने ज़ेहन नाल बनाईआं ने जी। बकरियां वास्ते इन्नियां कि बेहतर रहिंदियां ने? हाँ जी, साडे हिसाब नाल ते इस तरह बेहतर रहिंदियां ने, क्योंकि उस तरह अहीं लकड़ियां भी बनाई देने, इह तरह भी तां सेफ्टी इक ते चार दुआरी हो गई है, नाले आ भी तुसीं देखदे पे माशाल्लाह जानवर विच नहीं वड़दे पे। विच नहीं वड़दे? हाँ जी। अच्छा, जिहड़ा जंगला वगैरह लगवाया दा जी, हाँ जी, इहदी किन्नी हाइट रखनी चाहीदी है, लगवाना जरूरी है या नहीं? देखो जी, लाना तो जरूरी है जी, आऊं ना तुसीं लाओगे ते इहदे जानवर तुहानूं पता कंट्रोल किवें करोगे तुसीं। अच्छा, अगर मैं पूछा कि बकरियां किन्नियां क होन ते घर चल जांदा है? सर, बकरियां 10 भी होन ते घर चल जांदा है, चंगियां होन ते। चंगियां होन ते? हाँ जी। अच्छा, किस तरह 10 बकरियां घर चला सकदियां ने, थोड़ा जिहा आइडिया दवो। सर, देखो ना, नागरी नसल दी बकरी है तुसीं, ते उहदा बच्चा तुसीं देख दिओ ते 20-25 हज़ार दा सेल हुंदा जमदा बच्चा जी, अगर प्योर लभे ते। हाँ जी, एक दो दिन का जरा जमदा 20-25 हज़ार का तुम कह रहे हो? हाँ जी, 20-25 हज़ार का निकलता जी। अच्छा, हाँ जी, यानी कि बकरियां के बच्चे सेल करने के जो देखो ना जी, साढ़े इलाके कुछ ज़्यादा लोग जोड़े ने ना, वो बकरियों के बच्चे सेल कर देंगे, अगर फिर उन्होंने बकरियों दुध भी ना जरा सेल करते हैं, इस हिसाब ना जरा उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा जी। अच्छा, एक बंदा 10 बकरियों तो स्टार्ट करे तो जिन्हिया बकरियां किन्निया महीने कर लेगा? देखे जी, वो मेहनती है जी, तो अल्लाह का निज़ाम है जी, यानी कि मेहनत करे तो कर सकता है। हाँ जी, लेकिन आप भी वास्ते फिर टाइम लगता ना। टाइम लगेगा? हाँ जी ठीक है। अच्छा सर, थोड़े को इस टाइम जो बकरियां किनिया जे तो बकरे किन्ने जे? साढ़े को तकरीबन इस टाइम 7 ने ब्रीडर। 7 ब्रीडर ने? हाँ जी। नागरी नसल दी? नहीं, मक्खी चीनी है, नागरी है, तो बीतल नसल दे भी है। बीतल नसल दे भी है ने? हाँ जी। अगर कोई साडा व्यूअर्स थोड़े नाल राबता करे, हाँ जी, लेना चाहे तो दे दोगे? हाँ जी हाँ जी, दांगे। बकरियां भी तो बकरे भी? बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा सर, लास्ट ते साडे व्यूअर्स नूं कोई पैगाम देना चाहो? पैगाम तो यही है भी काम जरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अगर तुम करना चाहते हो या कर सकते हो, अगर तुम कर सकते हो तो इस तो बेहतर तो साड़ी नज़र से काम कोई नहीं, लेकिन यह भी साड़ी मजबूरी है, साढ़े कोई इन्नी केयर नहीं हुई, लेकिन यह भी कोई बंदा मेहनत करने वाला हो तजर्बाकार हो तो इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा फायदा। बकरियां के काम च लखां रुपये कमाए जा सकते हैं? हाँ जी। आसानी नाल या मुश्किल काम है? आसानी नाल जी, हूँ मेहनत करो तो फिर तो आसानी है, तो जो ना करो तो फिर मुश्किल मुश्किल। यानी कि करने वाले वास्ते बड़ा कुछ है, ना करने वाले वास्ते कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। हाँ जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़।